हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में, जो है ब्लैक फंगल इन्फेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कोविड से अभी पूरा देश जूझ ही रहा था कि अब ब्लैक फंगस नाम के डिसीज ने अपने पैर फैला लिए हैं। ब्लैक फंगस तेजी से बढ़ता जा रहा है कि इसकी सीरियसनेस को देखते हुए कई स्टेट गवर्नमेंट ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। लेकिन आखिर ये ब्लैक फंगस है क्या और इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, तो चलिए आज हम जानते हैं ब्लैक फंगस के बारे में। तो जिसे हम ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं उसका मेडिकल नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। ये एक रेयर और डेंजरस फंगल इन्फेक्शन है। ये एनवायरनमेंट, सॉइल एटसेट्रा में मौजूद म्यूकोरमाइसिट्स नामक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीवों के कॉन्टेक्ट में आने से होता है। ये सूक्ष्म जीव सांस लेने से या स्किन कॉन्टेक्ट में आने से हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे हमें ये इन्फेक्शन हो जाता है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को इसके होने का खतरा ज्यादा है या किन के इसे होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो डायबिटीज पेशेंट्स को ब्लैक फंगस होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में शुगर लेवल ज्यादा होता है जिसके कारण उन्हें ये इन्फेक्शन हो सकता है। जिनका कैंसर का इलाज हो रहा है या फिर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया है, उन्हें भी इसके होने का खतरा ज्यादा है। ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड्स लेने वालों को भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने से भी इसके होने का खतरा ज्यादा है। यही कारण है कि ये डिसीज कोरोना पेशेंट्स को हो रहा है, क्योंकि कोविड पेशेंट्स की इम्यूनिटी को खत्म कर देता है, जिसके बाद बॉडी किसी और इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाती। और कोरोना में जो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं उनमें शुगर लेवल ज्यादा होता है, जिसके कारण भी ये इन्फेक्शन उन्हें हो रहा है। यही कनेक्शन है कोविड और ब्लैक फंगस डिसीज में। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के, कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपको हो चुका है या हो रहा है ये आपको। तो क्या सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे, लक्षण इसके, तो वो है सर दर्द होना, आंखों की रोशनी कम होना, आंखों में दर्द होना, आंखों में सूजन आना, नाक में दिक्कत होना, नाक में ब्लीडिंग होना, चेहरे के एक हिस्से में दर्द होना या एक हिस्से का सूज जाना, चेहरे का रंग बदलना, चेहरे का सुन पड़ जाना, दांतों का हिलना या फिर मुंह से खून की उल्टी होना, ये सभी इसके सिम्टम्स हैं। ये सब आपको हो सकते हैं अगर ये आपको बीमारी हुई है तो। उसके बाद अगर ये फेफड़े पर अटैक कर दे तब क्या सिम्टम्स होंगे, तो वो बुखार, सांस लेने में दिक्कत, कफ, सीने में दर्द एटसेट्रा आपको हो सकता है। अब बात करते हैं कि ये जो डिसीज है ये आपकी बॉडी को कैसे इफेक्ट करता है, ये कैसे, क्या स्टेजेस हैं इसकी। तो ये इन्फेक्शन सबसे पहले आपको मुंह में या नाक में होता है, उसके बाद ये आपके आंखों में जाता है और फिर ये आपके दिमाग तक जाता है, और रास्ते में जाते हुए आने वाली सभी बोन्स और स्किन को डैमेज कर देता है। तो ये बहुत ज़्यादा एक डेंजरस डिसीज है। आपको इसका स्टार्टिंग में ही पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि आपको हो चुका है। आपको अगर कोई भी ऐसी अबनॉर्मल आपकी बॉडी में हरकत दिखाई देती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो आपको इसकी मेडिसिन देंगे। इसका कुछ दिनों का मेडिसिन का कोर्स होता है जिसके बाद आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर ये आपके दिमाग में चला गया तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है आपके लिए, तो इसीलिए इसे पहले ही पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, कि हम इसे होने से कैसे रोक सकते हैं या फिर बचाव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है दिन में 2-3 बार ब्रश करें। ये बहुत एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बीमारी आपके मुंह से ही स्टार्ट होती है, इसलिए आपके मुंह का साफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे हम ओरल हाइजीन भी कहते हैं। तो ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सभी लोगों के लिए है, लेकिन अगर आप कोविड पेशेंट है तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरोना में जो मेडिसिन और स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं वो हमारे मुंह में बैक्टीरिया और फंगल को बढ़ा देते हैं, जिसके बाद ये इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। इसीलिए दिन में 2-3 बार ब्रश करें, कुल्ले करने की आदत डालें, टूथब्रश को क्लीन करके रखें, और कोविड पेशेंट्स अपने टूथब्रश को चेंज कर लें और उसे फैमिली मेंबर से अलग ही रखें। उसके बाद अगर हम बात करें नॉर्मल कुछ बातों की, तो वो है धूल मिट्टी वाली जगह पर जाने से बचें, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया इसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मिट्टी में ही पाए जाते हैं, तो इसीलिए धूल मिट्टी वाली जगहों पर जाने से बचें और मास्क का उपयोग करें। उसके बाद गंदा पानी जहां पर भी हो वहां भी जाने से बचें। आप अपने घर में जहां पर भी पानी स्टोर करते हैं उसे भी रेगुलरली साफ करते रहिए, गंदगी कहीं पर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें, इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत होना ज़रूरी है आपका। इम्यूनिटी सिस्टम अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं, तो वो हर एक बीमारी के लिए ज़रूरी है, तो इसीलिए हेल्दी फूड खाएं। उसके बाद अगर हम बात करें, योगा और एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योगा और एक्सरसाइज आपको सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी फिट रखता है। अगर आपको कभी भी कोई ऐसा डिसीज हो जाता है तो आपको बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में नहीं लाने, आपको स्ट्रांग रहना है मेंटली भी कि आप ठीक हो जाए। इसलिए फिजिकली और मेंटली खुद को स्ट्रांग कीजिए, फिट रहिए और अपना ध्यान रखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। अगर कोई भी मुझसे कोई पॉइंट रह गया है या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।